मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टैक्स। अब टैक्स तो मेनली कई किस्म के रहते हैं, लेकिन मेनली दो किस्म के रहते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मीनिंग तो समझा दिया मैं, अपनी इनकम के ऊपर वेल्थ के ऊपर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जैसे कि इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है। वो टैक्स एक एसएससी को खुद जाके मतलब पर्सनली उन्हें जिम्मेदार रहता टैक्स भरने के लिए, मतलब अपना बर्डन उन्हें किसी की और कंधों पे शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सेल्स के ऊपर दिया जाता है या सर्विस के ऊपर दिया जाता, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर दिया जाता, और ये टैक्स बर्डन है सो शिफ्ट होता। मतलब अपन माल खरीदते, खरीद के दुकानदार को चिपका डालते, अब वो दुकानदार गवर्नमेंट को टैक्स बन लेना, तो यहाँ पर बर्डन शिफ्ट होगा। दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन। ये भी कॉमन बात है, टैक्स अवॉइडेंस यानी कि जो भी सरकारी तौर पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लूप होल्स अवेलेबल है, जो खामियां अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करना और कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करते हुए टैक्स से बचने की कोशिश करना, जैसे कि इंडियन कंपनी के शेयर्स के ऊपर पैसे लगाना, उसके ऊपर मिलने वाले डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं रहता। अगर ऐसा नॉलेज अगर कभी सबको रहा तो उसको पता रहता कि कहाँ पर पैसे लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो कानून का नॉलेज रखना, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, मतलब सही तरीकों से टैक्स से बचने की कोशिश करना। टैक्स इवेशन का मतलब है 1 लाख की इनकम है 10,000 बतलाना, इनकम टैक्स ऑफिसर को पैसे खिला दे के काम करवा लेना, गलत ऑडिट रिपोर्ट बना लेना, ऐसे काम करना और टैक्स से बचना, इसको बोलते हैं टैक्स इवेशन, ये जो कि इलीगल काम है। फिर है एसएससी सेक्शन 27। एसएससी का मतलब ऐसे शख्स से है जो किसी भी किस्म का पैसा इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बनना बाकी है, या तो उन्हें टैक्स बनना बाकी है, या तो पेनाल्टी बनना बाकी है, या तो कुछ तो भी एक बनना बाकी है, उसको एसएससी बोलते हैं। फिर है पर्सन, सेक्शन 231 के हिसाब से हर एक इंसान पर्सन है जो कि कमाई करता है। हमारे वैसा नेचुरल पर्सन भी हो सकता, मतलब एक कुदरती इंसान, उन्हें भी कमाई कर सकता, उन्हें भी टैक्स बन सकता। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन है, उसमें करता बनता टैक्स। एक कंपनी भी टैक्स बन सकता, कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन उसका टैक्स है तो डायरेक्ट का बनना। एक फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म भी टैक्स बनना, हर एक जना टैक्स बनना, इन सबको पर्सन बोलते। अब है असेसमेंट ईयर सेक्शन 29। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। असेसमेंट ईयर यानी कि असेसमेंट वर्ड का मतलब होता कंप्यूटेशन, मतलब कैलकुलेशन। तो असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ वो ईयर जहां पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता और टैक्स की पेमेंट की जाती। तो असेसमेंट ईयर के बारे में खास बात यह है कि यह भी 12 साल का पीरियड रहता, वो 12 महीने का पीरियड रहता, जो 1 अप्रैल को चालू होकर 31 मार्च अगले साल खत्म हो जाता। तो इन 12 महीने के अंदर है सो जब भी गवर्नमेंट डेट दी वो डेट पे जाके टैक्स भर देगा। लेकिन टैक्स जो कैलकुलेशन हो रहा वो इस साल की आमदनी पे नहीं हो रहा, पिछले साल की आमदनी पे होता। तो पिछला साल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर भी सेम 12 महीने का पीरियड है जो 1 अप्रैल को चालू होता है 31 मार्च को खत्म होता। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल में कमाई गई आमदनी के ऊपर हम है सो टैक्स बनते। कब बनते? असेसमेंट ईयर में, यानी कि अगले साल बनते। हमारा फिलहाल असेसमेंट ईयर है सो 2018-19 है और प्रीवियस ईयर है सो 2017-18 है। बोलने का मतलब 2017-18 में अपन जो भी कुछ कमाए वो कमाई के ऊपर अपन टैक्स बनेंगे 2018-19 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब हटाओ एग्जेम्प्शन। अब है रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको भी सुन लो ध्यान से। इनकम टैक्स के अंदर है सो सिटीजनशिप मायने नहीं रखती, सिटीजनशिप के हिसाब से टैक्स नहीं लगता। ऐसा बोलता फिर भिखारिया भी टैक्स भरना पड़ता, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस मायने रखता। सिटीजनशिप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता और रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डिसाइड होता। ऐसा तो बाहर का आदमी भी आता यहाँ पर कमाई करता और चले जाता, समझे? इसी तरीके से उन्हें आते रहता जाते रहता और कमाई करके भाग जाता। तो उन्हें कितने दिन यहाँ पर गुजारा उसके हिसाब से उसको पकड़ना और उसका टैक्स वसूल लेना।
इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बना रेसिडेंशियल स्टेटस। बहरहाल रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर बात करें तो दो किस्म के रेसिडेंशियल स्टेटस है, एक है रेसिडेंट, दूसरा है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट लोग ही टैक्स बनते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं बनता। रेसिडेंट के अंदर भी दो है, अब एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब कौन रेसिडेंट है ऑर्डिनरी भी है और कौन रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, इसके बारे में अगर जानना चाह रहे तो कंडीशन पढ़ लेना जरूरी है। दो किस्म की कंडीशन है, एक है बेसिक कंडीशन, इसमें भी दो है, दूसरा है एडिशनल कंडीशन, इसमें भी दो है। बेसिक कंडीशन की बात करें तो पहली बेसिक कंडीशन ये है कि क्या कोई शख्स पिछले साल मतलब 2017 से 18 में 182 डेज इंडिया में रहा क्या, और दूसरा बेसिक कंडीशन है क्या कोई शख्स 4 साल के अपने हिस्ट्री में पिछले 4 साल की हिस्ट्री में 365 दिन इंडिया में रहा क्या, जिसमें से अकेले 60 दिन पिछले साल यानी कि 2017-18 के है क्या। अगर है तो हमें ये कंडीशन पूरी करना। फिर है एडिशनल कंडीशन, वो क्या उन्हें 10 साल के इतिहास में 2 साल रहा क्या, और क्या उन्हें 7 साल के इतिहास में 730 दिन रहा क्या। ये कंडीशन है, ये कंडीशन कोई इंसान सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा देख लेना, उसके बाद में अपन डिसाइड कर सकते कि कौन रेसिडेंट है कौन रेसिडेंट नहीं है। चलो कैसा डिसाइड कर सकते, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन है सुनो। एक शख्स जो बेसिक कंडीशन कौन सी तो भी एक पूरी कर रहा और दोनों के दोनों एडिशनल पूरी कर दे रहा, वैसे इंसान को बोलते रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब जैसे कि अपन है, अपन पूरी जिंदगी इंडिया में गुजारे, अब अमेरिका का वीजा मिल गया तो अपन अमेरिका भाग रहे, यहाँ पर जो भी कुछ कमाए करे थोड़ा बहुत पैसा लगा लेके अमेरिका को भाग रहे, मगर टैक्स चुका के भाग, मतलब पिछले साल 182 डेज रहे ना अपन, 182 डेज क्या पूरे 365 दिन रहे, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई क्योंकि वो जिंदगी चीधर गुजार लिए, अगर एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे अपन, यानी कि हम पक्के तौर पर बोल सकते हैं कि हम इंडिया की है, लोकल है, ऑर्डिनरी है। कोई एक विदेशी आदमी है जो अभी पिछले साल है सो 2 महीने इंडिया में रहा और भाग गया, लेकिन अगर उसका 3 साल का इतिहास देखे तो उन्हें पूरा 1 साल इंडिया में रहा सोए पिछले 4 साल के इतिहास में, तो वैसा आदमी सेटिस्फाई कर लेता बेसिक कंडीशन। और अगर कभी उसका और इतिहास देखे 10 साल का तो समझ लो कंटिन्यू 2 साल भी इंडिया में रहा सोए उन्हें करना पर, तो भले ही वो फॉरेनर होगा अंग्रेज होगा लेकिन उन्हें दोनों कंडीशन पूरी करना तो उन्हें रेसिडेंट और ऑर्डिनरी भी बन जाता। अब बात आ रही कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी कौन है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी वो आदमी को बोलते हैं जो बेसिक कंडीशन कौन सी तो भी एक पूरी करता लेकिन एडिशनल एक भी नहीं करता। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि उन्हें है ना श्रीलंका की हीरोइन, समझ लो कि उन्हें 3 साल पहले ही चाहिए इंडिया के अंदर, तो अपन उसका 10-7 साल का रिकॉर्ड तो चेकिच नहीं कर सकते, छोड़ दो एडिशनल कंडीशन का सवाल ही खत्म हो गया ना। पर बेसिक कंडीशन की जहां तक बात है, पिछले साल समझ लो उन्हें 6 महीने यहां पर रह ली, 6 महीने बोल तो इजी कर टू 182 डेज हो जाता, यानी कि उन्हें पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर ली। लेकिन फर्ज कर लो कि उन्हें पिछले साल खाली 2 ही महीने ही श्रीलंका में ज्यादा वक्त गुजारा लेकिन उन्हें 3 साल से है इंडिया में, तो 3 साल का इतिहास देखे तो 2 साल उन्हें कुल मिला के 300 दिन रहली सो है, तो पिछले साल 300 दिन रहली और पिछले 3 साल में पिछले 300 दिन रहली और इमीडिएट पिछले साल में 60 दिन रहली, तो बस है अपने को 365 हो गया, तो बस है तो उन्हें रेसिडेंट बन जाती लेकिन ऑर्डिनरी अभी नहीं बनती। तो अपन उसको ये सलाह देना कि और 4 साल इधर पे नाच लगा लो, थोड़ी फिल्मा बना लो और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन जाओ। अब है तीसरा नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट उस शख्स को बोलते हैं जो बेसिक ही पूरी नहीं करता, जैसे कि अंग्रेज एक घूमने फिरने आया, एक 50-60 दिन रहा भाग गया, तो उसको पकड़ के टैक्स नहीं वसूलना, समझे, क्योंकि उन्हें बेसिक पूरी नहीं करा, तो जो बेसिक पूरी नहीं करा एडिशनल का तो सवाल ही नहीं होता, छोड़ दो। तो ये है रेसिडेंशियल स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हटाओ पैन कार्ड हटाओ, बस 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 बस।
पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर को बोलते हैं। पैन कार्ड बहुत जरूरी आइटम है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपने टैक्स पेमेंट करने वाले लोगों को दिया जाता है। ये 10 डिजिट का एक नंबर रहता, जैसे कि यहाँ पर है देखो। आजकल लोन लेने में, बैंक में ज्यादा पैसे जमा करने के लिए, हर फाइनेंशियल मैटर में पैन कार्ड जरूरी हो गया। तो पैन कार्ड की अगर बात करें तो ये 10 डिजिट का नंबर रहता। अब शुरुआती डिजिट देखो तुम, ए एन बी टी सी, 5 के 5 नंबर लेटर्स रहते, अल्फाबेट रहते, समझे। और इन अल्फाबेट में ये जो चौथे नंबर का ये जो पी है ना, ये बहुत अहम है। ये पी का मतलब होता पर्सन, यानी कि इंसान। अगर ये पी की जगह सी रह गया तो समझना कंपनी, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसे यानी कि फिफ्थ लेटर जो है सी, ये सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है देखो, सुनील पाल चपाला। तो इसका जो सरनेम है चपाला, उसका ये पहला अल्फाबेट रहता सी। फिर बाद में कौन से, तो भी 4 नंबर आ रहे थे, कौन से भी रह सकते 1 से 9 तक। और आर, आर भी कौन सा भी अल्फाबेट रह सकता, कुछ खास बात नहीं है। तो ये है पैन कार्ड, हटाओ हटाओ। एग्रीकल्चर इनकम, ये भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता तुम्हारे, ये अपन आखिरी देख लेंगे। आप एग्रीकल्चर इनकम सुनो, एग्रीकल्चर इनकम असल में देखा जाए तो टैक्स से माफ है। कोई भी इंडिया के अंदर अगर कभी हमारी जमीन है जिसके ऊपर या तो खुद अपन खेती बाड़ी कर रहे हैं, या फिर अपन वो जमीन को किसी किसान को, किसी को भी किराए पे छोड़ दिए, वो किसान भी समझ लो खेती बाड़ी कर रहा या फिर नहीं भी कर रहा, लेकिन फसल के लिए ही इस्तेमाल में ला रहा, समझ लो कि उन्हें उसके अंदर फसल रख ले रहा बस, या ट्रैक्टर रख ले रहा। तो किसी भी तरीके से अगर हमारी जमीन खेती बाड़ी फार्मिंग के लिए यूज हो रही, तो उससे मिलने वाली हर एक कमाई एग्रीकल्चर इनकम कहलाती, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो माफ है, लेकिन कुछ केसेस में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ही टैक्स लगता। जैसे कि अब चाय की बात करें, इनको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। चाय का 60% एग्रीकल्चर रहता, 40% बिजनेस रहता, मतलब 1 लाख रुपए कमाए चाय के बाग से, चाय पत्ती बेच के। तो 60% अपन समझना एग्रीकल्चर है, 40% समझना बिजनेस है। वही अगर कभी कॉफी की बात करें तो 75 और 25 का हिसाब है। वही अगर कभी कॉफी को अपन प्रोसेस कर रहे तो वो 60 और 40 है। वही अगर रबर की बात करें तो 65 एग्रीकल्चर होती और 35 बिजनेस होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये सब इधर लिखा हुआ भी है। इनकम टैक्स मारते कैसा, इनकम टैक्स में सबसे पहले तो इनकम टैक्स ऑफिसर आके तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करता है। तुम रेसिडेंट ऑर्डिनरी निकल गए या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी निकल गए तो तुम ओके हो गए, तुम्हारे को टैक्स लगता। अब टैक्स लगता कैसा बोले तो तुम्हारे से सवालात होते हैं, तुम्हारा कैलकुलेशन होता कि तुम सैलरी से कितना कमाए, तुम हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाए, तुम बिजनेस से कितना कमाए, कैपिटल गेन से कितना कमाए, अदर सोर्स से कितना कमाए, पूरों का टोटल ले लेते हैं, जिसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। फिर उसमें से थोड़े बहुत डिडक्शन रहते हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, वो लेस करे बाद टोटल इनकम आती, इसके ऊपर टैक्स लगता। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हो सकता पूछेगा तुम्हारे, मैं खाली ऊपर ऊपर इसका मीनिंग बोल देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। रेवेन्यू का मतलब होता वो चीज़ा जो कम से कम 12 महीने के पीरियड में कैसा भी होती, जैसे कि सैलरी हर महीने होती, जैसे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम अपन कम से कम साल में एक बार तो बनते हैं, इन सबको रेवेन्यू बोलते हैं। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, अगर ये रेवेन्यू इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब ये रेवेन्यू हो गया, कैपिटल क्या है इसको, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के भी रहता। ये है ऐसा कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर जो कम से कम एक साल में नहीं हो रहा, जो कभी कभार हो रहा, छठी सम्मान में एक बार हो रहा, जैसे कि अपन फैन निकाल के बेच दिए, क्या रोज रोज फैन निकाल के बेचते हैं, या हर साल फैन निकाल के बेचते हैं, या फिर जमीन का एक फिर फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई निकाल के बेच दिए, ये कभी कभार होता है, इनको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कभी कभार होता जिसका कोई वो नहीं रहता, इनको बैलेंस शीट में लिखा जाता, इनको प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी नहीं लिखना,
प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू टाइप के लिखे जाते हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल टाइप के लिखे जाते हैं। तो अब यही सब बात इधर पे डिटेल में है, इसका इफेक्ट टेम्पररी रहता, ये अकाउंटिंग ईयर में लिखा जाता, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता। जैसे कि मशीन खरीद लिए, 10 लाख की मशीन खरीद लिए, एकदम 10 लाख खर्चा हो जाते हैं, समझे, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब एसेट के बढ़ने घटने का रेवेन्यू से मतलब नहीं है, एसेट बढ़ रहा घट रहा है उसके पर मरम्मत वगैरह कर रहे तो वो कैपिटल रहता। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं रहता इन खर्चों का, इन इनकमों का, लेकिन इनका रहता क्योंकि ये मशीनों पे होते, ये जमीनों पे होते, ऐसा रहता। इट इज रिकरिंग यानी कि जो साल में एक बार रिपीट होती छोटी रिकरिंग रहती, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि रेगुलरली आएंगी बोलते, इस साल आ गई तो अगले साल आ भी सकती नहीं सकती। दिस एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन द बिजनेस, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लोगों को सैलरियां देते रहना पड़ता, मजदूरों को वेजेस देते रहना पड़ता, नहीं तो उन्हों ताला डाल के बैठ जाते। लेकिन ये तो कभी कभार खाली बिजनेस मशीन टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए रहता। इट डज नॉट अपियर इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में अपियर नहीं होते, ये बैलेंस शीट में लिखे जाते, ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते, इनकम स्टेटमेंट में ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखे जाते। इट रिड्यूसेस रेवेन्यू प्रॉफिट, इससे बिजनेस की प्रॉफिट घटती, तुम जितना डेबिट साइड में खर्चे लिखेंगे प्रॉफिट कम हो जाती, लेकिन इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में पड़ता, तो प्रॉफिट से लेना देना नहीं है इसका।